सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत शिक्षकों से ही करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां देश भर के 46 शिक्षकों का आज सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर के 46 शिक्षकों को आज मिलने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 2 शिक्षक शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शाजापुर के रामड़ी गाँव के ओम प्रकाश पाटीदार वो शिक्षक है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी एक शिक्षक को यह सम्मान मिलेगा। रायपुर की सहायक शिक्षिका ममता आहार सम्मानित होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और आपको बता दें कि पीएम मोदी इन शिक्षकों से संवाद भी करेंगे। शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार जो कि शाजापुर से हैं, इन्होंने मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को आज सम्मानित करने जा रही हैं। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी भी इन शिक्षकों से संवाद करेंगे। देशभर के 40 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन्हें ये सम्मान आज मिलने जा रहा है। तो मध्यप्रदेश का मान 2 शिक्षकों ने बढ़ाया है। 2 शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, शाजापुर के रामड़ी गांव के ओम प्रकाश पाटीदार सम्मानित होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सहायक शिक्षिका ममता आहार भी सम्मानित होंगी। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। गौरव शुक्ला हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, काफी कहा जा सकता है कि सम्मान की बात है कि शिक्षक लगातार बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं और सहायक शिक्षिका ममता आहार जो कि लंबे समय से बच्चों का भविष्य बना रही हैं काफी संघर्षों के बाद, और आज उन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात होगी कि एक शिक्षिका को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा, वो भी शिक्षक दिवस के रूप में। राजधानी रायपुर की सहायक शिक्षिका ममता हार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने जा रही हैं और उनके द्वारा शिक्षक क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर उनका सम्मान किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान और साथ ही साथ जो अन्य शिक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किया गया है, जिसके चलते उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे वर्चुअली माध्यम से बातचीत करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी कि जब दो दो वरिष्ठ लोग, पूरे भारत के 2 वरिष्ठ लोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सीधे उनसे रूबरू होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी, तो वहीं नरेंद्र मोदी जो है वो उनसे वर्चुअली माध्यम से बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया है और उन्हें प्रोत्साहित कर उनके ढांढस भी बांधेंगे कि आप कितना और कुछ कर सकती हैं। और यदि हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक सम्मान की बात करें तो कुल 60 लोगों का सम्मान आज राजभवन में होने जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है वो इनका सम्मान करेंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 60 लोगों का सम्मान होना है, जिसमें 56 लोगों को सम्मान राज्य स्तर में, 56 लोगों का सम्मान जो है राज्य शिक्षक सम्मान के रूप में किया जाएगा और साथ ही साथ 4 शिक्षक ऐसे होंगे जिन्हें प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम से जो स्मृति दी जाती है उससे पुरस्कृत किया जाएगा। तो एक आज बड़ा अच्छा पल वो होगा जब इन सभी 60 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और एक आने वाले जो पीढ़ी है, चाहे वो युवा पीढ़ी की बात करें या जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षक क्षेत्र में आना चाहते, उनके लिए एक मिसाल बनेंगे ये सभी शिक्षक। और बड़ा दिन आज शिक्षकों के लिए होने वाला है। शिक्षक दिवस को लेकर पहले से ही तैयारियां की जाती है और एक बड़ा आयोजन जो है वो किया जाता है। इसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका गौरव फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शिक्षक जो कि एक मिट्टी को भी मूर्त रूप दे देते हैं और ऐसे में तमाम शिक्षक जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में, इन सभी शिक्षकों का सम्मान होने जा रहा है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ की सहायक शिक्षिका ममता आहार जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आज सम्मानित किया जाएगा और पीएम मोदी खुद इनसे सीधा संवाद आज करेंगे।